भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव जिस एक्ट्रेस को भी ब्रेक देते हैं वो हिट हो जाती है। ऐसे में अब उनकी फिल्म में एक और एक्ट्रेस की एंट्री हो गई है जो कि उनके साथ कई म्यूजिक वीडियो में इन दिनों धमाल मचा ही रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और फिल्म जगत की नई सेंसेशन यामिनी सिंह की जोड़ी की। इस जोड़ी का जलवा इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री के सिर चढ़कर बोल रहा है। दोनों बैक टू बैक खूब गाने दे रहे हैं जो ट्रेंडिंग लिस्ट में भी बरकरार रहते हैं और खूब धमाल मचाते हैं। अब इसी बीच उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह जल्द ही रत्नाकर कुमार प्रस्तुत और पराग पाटिल के निर्देशन में बनने वाली फिल्म गॉडफादर में नजर आने वाले हैं। इसकी घोषणा खुद पराग पाटिल ने की है। पराग ने बताया कि वे इन दोनों जबरदस्त फिल्म पर काम कर रहे हैं जिसके लीड रोल में भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव होंगे, वहीं फीमेल लीड में यामिनी सिंह नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि एक्टर का स्टारडम कुछ ऐसा है कि जब उनका साथ किसी एक्ट्रेस को मिलता है तो उसका करियर पीक पर चला जाता है। इसमें कई एक्ट्रेस के नाम शामिल हैं जैसे कि बोल राधा बोल की मेघाश्री। साउथ में उन्हें कम लोग ही जानते होंगे मगर खेसारी के साथ काम मिलते ही उन्होंने काफी लैमलाइट बटोरी। वहीं काजल राघवानी ने भले ही बड़े सितारों के साथ काम किया हो मगर खेसारी के साथ जोड़ी जमाने के बाद उन्हें नेम फेम और स्टारडम मिला। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, वो नाम है एक्ट्रेस यामिनी सिंह का। जी हाँ, खेसारी लाल यादव का साथ अब भोजपुरी एक्ट्रेस यामिनी सिंह को मिल गया है। एक वक्त ऐसा भी था जब वो उनको पसंद तक नहीं करती थी और आज आलम ये है कि वो बैक टू बैक उनके साथ म्यूजिक वीडियो में काम कर रही हैं। साथ ही वो उनकी तारीफ करते अब थक भी नहीं रही हैं। उनके लिए खेसारी अब गॉडफादर बन गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मगर ये गॉडफादर रियल लाइफ में है। बाकी वो रियल लाइफ में उनके लिए गॉडफादर तब बनेंगे जब एक्ट्रेस का करियर भी बाकी हीरोइनों की तरह पीक पर चला जाएगा। आपको बता दें कि ये दोनों स्टार्स की साथ में पहली फिल्म होगी। इसकी शूटिंग 18 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इन दोनों की जोड़ी क्या कमाल करती है और लोग इसे कितना पसंद करते हैं ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। Thank you.